हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा या तुम्हारा भाई बताएगा कि सैमसंग गैलेक्सी एमजोन कोर। तो आप लोगों ने थंबनेल देख के आपको पहले ही क्लिक कर लिया होगा इस वीडियो पे, तो मेरे को उतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इस फ़ोन में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि बैटरी बैकअप कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप लोग, ठीक है गाइस। तो इंक्रीज योर बैटरी बैकअप इन सैमसंग गैलेक्सी एमजोन कोर, यह सब मैंने आपको थंबनेल पे लगाया था। एंड किस तरीके से आप लोग सैमसंग गैलेक्सी एमजोन कोर इस फोन में आप लोग बैटरी बैकअप इंक्रीज कर सकते हो, किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा आज। तो चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। एंड गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम 7-8 दिन बाद, तो कर देना। एंड सिंपली गाइस, अगर आपके फ़ोन में 0 to 100% चार्ज होने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है तो लगने दो गाइस। ये आपको लाइव प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ बैटरी बैकअप के लिए। अगर आपके फ़ोन के बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, मतलब आपका फ़ोन का बैटरी जो ज़्यादा मतलब चल नहीं पा रहा है कम से कम, तो आपको क्या करना होगा गाइस, अगर आपके फ़ोन में जितना भी परसेंट चार्जिंग है उस चार्जिंग को आपको ख़त्म करना होगा पूरा यूज़ करके, पूरा जीरो आपको स्विच ऑफ करने तक अपने फ़ोन को एक बार सिर्फ करना होगा, स्विच ऑफ करने तक यूज़ करना होगा आपके फ़ोन को। उसके बाद गाइस, आप लोग अपने स्मार्टफोन को जैसे ही चार्ज पे लगाओगे, चार्ज पे लगाने के बाद इससे कई हद तक आपके फ़ोन की बैटरी की हेल्थ बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है आपकी बैटरी बैकअप। तो गाइस, ये आपको बता दिया है तो पहला। एंड उसके साथ साथ मैं दो चार और भी बता देता हूँ आपको, दो चार तो नहीं बता पाऊँगा गाइस इस वीडियो में, आपको एक आध दो और बता देता हूँ कि किस तरीके से इंक्रीज होगा आपके बैटरी बैकअप। तो सिंपली गाइस, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको एक कोड भी बताऊंगा आपको जो सैमसंग के फ़ोन में है। मैं एक उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर करीबन 2300 का व्यू आया होगा, उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना, उस वीडियो को भी देख लेना। तो सिंपली गाइस, मैं आपको बता देता हूँ क्या किस तरीके से करते हो। अगर आपको फास्ट चार्जर यूज़ करते करते आदत हो गया कि फास्ट चार्जर से जल्दी चार्ज होता है, तो ये सब फास्ट चार्जिंग के लिए तो माना जाता है। एंड गाइस, अगर आपके पास 5 वोल्ट का नॉर्मल चार्जर है, माइक कोई सा भी नॉर्मल चार्जर आपके फ़ोन के साथ मिलता है, उसी फ़ोन से अगर आप अपने फ़ोन को स्लोली स्लोली चार्ज करोगे तो आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप 100% इंक्रीज हो जाएगा। ये कुछ खुद मैं अप्लाई करके देख चुका हूँ, एंड इसके ऊपर भी मैं वीडियो पहले से बना चुका हूँ, उसको भी जाके देख लेना चेकआउट करके। एंड गाइस, लास्ट में आता है आपको किस तरीके से एक कोड के मदद से अपने बैटरी बैकअप को इंक्रीज कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा गाइस, आपके फ़ोन को 100% चार्ज कर लेना होगा सबसे पहले। तो गाइस, मेरे फ़ोन में देखो गाइस अभी 15% चार्ज है, तो मैं उसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बट आपको इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो सिंपली गाइस, उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली आपको डायलर पैड में आना होगा। ध्यान रखना गाइस, आपके फ़ोन में 100% चार्ज होना चाहिए नेचुरल। तो सिंपली गाइस, डायलर पैड में होगा, यहाँ पर थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, तो सिंपली डायलर पैड में आने के बाद सिंपली गाइस आप लोग डायलर पैड में जैसे आ जाते हो, डायलर पैड में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या टाइप क्या करना होगा वो आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा *0228, उसके बाद आपको लास्ट में हैज़ को प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपका फ़ोन का पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पर मालूम चल जाता है, यहाँ पर एम्पियर सब पता चल जाता है आपको, वॉल्टी वगैरह सब रिसेट होने के कारण आपके फ़ोन में फिर से आपको बैकअप तगड़ी मिल जाती है इस ऑप्शन को अनेबल करने के बाद। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क वॉल्टी LTE अनलॉक आज से सिंपली बहुत सारे यहाँ पर कैप्शंस वगैरह रन करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो चार्जर वोल्टेज कितना हमारे फ़ोन में कंज्यूम कर रहा है, DC AC लेवल लेवल बैक कलर वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर चार्जिंग टाइप TA भी आप लोग देख सकते हो, एंड बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, इसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है क्विक स्टार्ट का, तो सिंपली गाइस क्विक स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपको वार्निंग लिख के आता है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है गाइस, ये आपके फ़ोन में जस्ट एक ऑप्शन हर फोन में नहीं दिया होता है, ओनली सैमसंग के फ़ोन में ये वर्क करता है, तो उसी फ़ोन के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, यहाँ पर विल बी रिसेट योर बैटरी बैकअप कैपेसिटी टू इंक्रीज योर डोंट इज फोन, आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाता है इसको करने के बाद। क्यों इंक्रीज होता है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आपका जो नेटवर्क कनेक्ट टाइप जो सारा का सारा आपके फ़ोन में परमिशन हुआ रहता है वो सारा का सारा रिसेट हो जाता है, जिसके कारण आपका बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, और इसको करने के बाद आपका बैटरी बैकअप कई हद तक बढ़ जाता है। तो इसको गाइस ओके करने के बाद आपका स्क्रीन गाइस ब्लैक हो जाता है। ब्लैक होने के बाद
कम से कम 3 से 4 सेकंड के बाद ओपन होता है या आपको 30 सेकंड तक वेट करना होगा, उसके बाद आपका स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन होता है। अगर इससे पहले आप इस डायलर पैड को मतलब किए नहीं होंगे इस ऑप्शन को, उसके बाद ही आपको होगा। अगर आपने पहले से कर लिया इस फ़ोन में डायलर पैड को ऐसा वैसा करके, तो उसके आपको फिर से एक बार प्रेस करके ओपन करना होगा आपके फ़ोन को, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका वर्क करेगा। एंड गाइस, इसके साथ साथ अगर आपके 100% चार्जिंग में से थोड़ा सा चार्जिंग कम हो जाता है, तो आप लोग समझ लेना कि हमारा फ़ोन सही से वर्क कर रहा है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से बताना। एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।